आप सब मेरे भाई हैं, किसी ने कमेंट के अंदर बोला था ये आपके सब्सक्राइबर है, बोले ये सब्सक्राइबर है और ये आपकी वीडियो देखते नहीं तो आपकी कोई वजूद नहीं। मैं ये बोलता हूँ ये सब्सक्राइबर नहीं है, ये मेरी फैमिली है। जितने भी चैनल पे जितने सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, ये मेरी फैमिली है और फैमिली को आंच ना आए ये मेरा कर्तव्य है उसे निभाना, कि उसे किसी भी प्रकार का हानि ना हो। मेरा फर्ज है उसे निभाना कि उसे किसी प्रकार की हानि ना हो, उसे कोई तकलीफ ना दे। इसलिए मैं हमेशा जब तप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ तो ध्यान आप पे रहता है, बाकी मैं किसी पे ध्यान नहीं रहता है। और लोग बोलते हैं कि भैया आप इतनी सारी सिद्धियां बताते हो तो आप पैसे क्यों नहीं मंगा लेते हैं? तो जितने भी YouTube पे तांत्रिक जो मुझे फिलहाल अभी देख रहे हैं तो उनको पता है पैसा मंगाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कितना दिन टिकेगा? पैसा मंगाना बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना दिन टिकेगा वो? किसी का हक मारना, किसी से जबरदस्ती छीन के लेना, मतलब क्या है? मर्द की औलाद हो, मेहनत करो, मेहनत का कार्य करो और पैसे कमाओ, उसे घर संसार सुख शांति से चलेगा। हड़पना, किसी के अंदर शैतानी ताकत डाल देना, उससे पैसे ले लेना, ये क्या है? आपको क्या लगता है आप सिद्धियां करते हो शैतान आपको पैसे लाके इसे दे देता, पकड़ ले ले, फट के हाथ में आ जाएगी वो? इस तरीके से आप सोचोगे तो बुरी शक्तियां होती, बुरी शक्तियां क्या करती हैं? आपको किसी इंसान के अंदर डालना पड़ेगा कि ये बहुत करोड़पति है, इससे पैसे लेके आप, बुरी शक्तियां उसके शरीर में जाता है, उसके माइंड को डाइवर्ट कर दे, वो आदमी चल के आता है आपको पैसे दे देता है। अगर ये करना होता तो मैं आप सबसे बोलता आप मदद करो, मैं मंदिर बनाऊं, बहुत सारी शक्तियां हैं मेरे पास, लेकिन ये कार्य नहीं होता क्योंकि मैं सनातनी हूँ, सनातन छत पे रहूंगा, गला कट जाएगा परवाह नहीं, मेरे रग में मेरा हर एक सांसों के अंदर ऊपर वाला ये सनातन है। तो मेरा बोलने का कारण ये था, पैसे की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है ठीक कराने के लिए, तो आप उसका चढ़ावा किया करें। और मंदिर बनाने की बात हो रही है, जो मंदिर बनाने की बात, अगर उसमें योगदान आपका होता है तो हक आपका ही होगा ना। आप आओगे मंदिर के अंदर, बैठोगे, आप अपना कार्य कराओगे, आप रहोगे, अपना घर समझ के रहोगे, मंदिर है आपके, तो उस पे आप ध्यान दें। बाकी जो कहना था मैंने कह दिया है। दिनेश्वर महाराज टोने टोटके में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो से संबंधित या अपने किसी समस्या से संबंधित कोई भी बात करना चाहते हैं तो दिनेश्वर महाराज आपके लिए कॉल मी फोर पर उपस्थित हैं। दिनेश्वर महाराज से सीधे फोन पर बात करने के लिए कॉल मी फोर ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और उनकी आईडी dineshwarmaharaj@cm4 सर्च करें और कॉल बटन पर क्लिक करें। कॉल करने से पहले उनके प्रोफाइल में उनका अवेलेबिलिटी टाइम ज़रूर चेक करें।